नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वो है जीव विज्ञान का शिक्षण शास्त्र को लेकर। और इसी के साथ में हमारी जो इकाई द्वितीय है जीव विज्ञान में अधिगम संसाधनों को लेकर, और इसी इकाई के अंतर्गत हम जब अध्ययन कर रहे थे शिक्षण सहायक सामग्री, जिनका वर्गीकरण दो भागों तीन भागों में किया गया है। सबसे पहला तो है श्रव्य सामग्री, द्वितीय जो वर्गीकरण जो किया गया है वो है दृश्य सामग्री, और तीसरा है श्रव्य दृश्य सामग्री। तो साथियों, हमने श्रव्य सामग्री का अध्ययन कर लिया था और अब हम पढ़ने जा रहे हैं दृश्य सामग्री का। और दृश्य सामग्री के अध्ययन में हमने चार बिंदुओं का अध्ययन हमने कर चुके थे, और चार बिंदुओं में हमने जो प्रत्यक्ष जो पदार्थ है या वास्तविक पदार्थ को जैसे किसी अध्ययन करवा रहे हैं, तो हमने जैसे हमने पेड़ पौधों का अध्ययन करवाना है तो पेड़ पौधों को सिखाना है, उनके बारे में बताया। साथ में हमें किसी पुस्तक के बारे में है या किसी कुर्सी या मेज स्थूल वस्तुओं को एक मूर्त रूप में किस प्रकार से प्रदर्शित करके हम छात्रों की एक सहायक सामग्री के रूप में एक अवधारणा को स्पष्ट करने में हम उनकी सहायता ले सकते हैं। और ठीक उसी प्रकार से चार्ट, ग्राफ, चित्र, इनके द्वारा भी हम प्रदर्शन के माध्यम से हम छात्रों की उस ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमने इसी तरह से हमने मॉडल के बारे में बताया था, प्रतिमान के बारे में, जो बिल्कुल हूबहू दिखने वाली जो चीज़ें हैं उनके द्वारा हम उनका प्रदर्शन करके हम दिखा सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए पानी का जो जहाज है, हेलीकॉप्टर है या हवाई जहाज है या जेम्स वॉट के नाम का इंजन है या हृदय की संरचना है, इन तमाम सारी बातों को हम वास्तविक रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, उनका बिल्कुल उसके जैसा ही सदृश हूबहू उसकी जो कॉपी है उसका जो दिखने की तरह उसमें बिल्कुल उसी की तरह लगता है, बिल्कुल दिखने में उसके जैसा ही लगता है, उसका छोटा रूप होता है। जैसे पृथ्वी का ग्लोब है ठीक इसी तरह छोटा मॉडल लाया जाता है, और मॉडल को किस प्रकार से उसकी कार्यप्रणाली है, किस प्रकार से वो प्रोसेस करता है, इसके माध्यम से बालक को समझाया जाता है, और बालक उसकी प्रोसेस पूरी तरह से अपने हाथ में देख कर अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उसे सीखते हैं और अपनी अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। तो साथियों, बिल्कुल ये सहायक सामग्रियों के माध्यम से हम अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। अब साथियों, हम बढ़ रहे हैं अपने अगले बिंदु की ओर, और वो बिंदु है हमारा ब्लेटिंग बोर्ड। अब ब्लेटिंग बोर्ड साथियों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ब्लेटिंग बोर्ड वास्तव में क्या चीज होती है। ब्लेटिंग से मतलब तो ऐसे होता है कि हम ब्रिटिश काल पर नजर डालते हैं। ब्रिटिश काल में इसका उपयोग पहले किया जाता था ब्रिटिश काल में क्यों किया जाता था कि बहुत सारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आती हैं तो वो अपने बहुत सारे ऑर्डर्ड हैं, बहुत सारी सूचनाएं हैं, या किसी वस्तु की या माल की जो खरीद फरोख्त है उसको लेकर निविदाएँ निकालनी पड़ती थी, टेंडर निकालने पड़ते थे। तो उसके द्वारा पहले ज़माने में इंटरनेट का इतना सहारा नहीं होता था, तो वो ब्रिटिंग के माध्यम से कुछ ऑर्डर के माध्यम से उस बोर्ड को सरा एक कार्यालय के सार्वजनिक रूप में नोटिस बोर्ड के तरह चिपका जाता था, और उस बोर्ड के माध्यम से एक सूचना को व्यवस्थित क्रम में रखा जाता था। तो उसके माध्यम से तमाम सारे जो लोग हैं, व्यापारीगण हैं, या उस सूचना की जो सूचना जो प्राप्त करना चाहते हैं वे लोग सभी उस ब्लेटिंग बोर्ड को देखते थे, और ब्लेटिंग बोर्ड के देखने के माध्यम से वहाँ पर उनकी सूचना उन्हें प्राप्त हो जाती थी। तो ब्लेटिंग बोर्ड एक मतलब सूचना संग्रहण का एक उत्तम तरीका है, और एक मतलब शिक्षण के क्षेत्र में इसका उपयोग लगभग हर क्षेत्र में हो रहा है, छोटे बड़े सभी विद्यालयों में इसका उपयोग हो रहा है। आपने विद्यालय में देखा होगा कि बार्ड आज की दुनिया में इसको ब्लेटिंग बोर्ड को हम पिन बोर्ड भी कह सकते हैं। पिन बोर्ड कह सकते हैं, या हम उसको नोटिस बोर्ड भी कह सकते हैं। जैसे हम ब्रिटिश काल में उस जो ब्लेटिंग बोर्ड था उसको नोटिस बोर्ड भी कहते थे। नोटिस बोर्ड क्योंकि नोटिस बोर्ड इसलिए कहते थे उसे क्योंकि कुछ भी
कंपनी का कोई भी नोटिस होता था या कोई ऑर्डर जारी करना होता था, जो एजीजी है, गवर्नर जनरल है इनको, तो वो उस ब्रिटिन बोर्ड के माध्यम से, नोटिस बोर्ड के माध्यम से उस ऑर्डर को चस्पा करते थे और सूची को वहाँ चिपकाया जाता था। तो आज आप उसके बाद आपने देखा होगा शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे हमारे एग्जाम होते हैं तो हमारे एग्जाम के बाहर एक बोर्ड रहे होता है, उसमें सारी सूचनाएँ होती है, वो नंबर वन ढूंढते हैं हम लोग। उसके अलावा विद्यालय में होने वाली तमाम सारी गतिविधियाँ हैं, तो उसके द्वारा बच्चों के बना द्वारा बनाई हुई सामग्रियाँ हैं, तो उस बोर्ड बड़ा सही बड़ा ही मतलब उस बोर्ड के द्वारा डिस्प्ले की जाती है। तो उस बोर्ड से बालकों का ज्ञानवर्धन किस प्रकार से होता है, तो हम अध्ययन कर रहे हैं वो इस प्रकार से है। शिक्षा का जो उपयोगी उपकरण है, शिक्षा का जो उपयोगी उपकरण है कि बालकों के साथ में गतिविधियाँ जो कराई जा रही हैं विद्यालय स्तर पर, तो ग्रेडिंग बोर्ड के माध्यम से बालकों को सूचना दी जाती है, तो बालक उस बोर्ड को देखते हैं और वहां से सूचनाएं संग्रहण कर सकते हैं। सूचनाओं का संग्रह मतलब हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में, हमारे राज्य स्तर पर तमाम सारी जो घटनाएं हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई राजनीतिक घटना है, कोई सामाजिक है, आर्थिक है, आर्थिक जानकारी है या सूचना प्रौद्योगिकी है, सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई भी कोई बात है, या उसमें कोई नए प्रयोग किए गए हैं, या अंतरिक्ष में जुड़े हुए नए प्रयोग हो रहे हैं, कोई सैटेलाइट से जुड़े हुए नए प्रयोग हो रहे हैं, तो उन सूचनाओं को चित्र के साथ या चित्र के माध्यम से वहाँ पर एक बोर्ड में सूचनाओं का संग्रह के रूप में वहाँ लगाया जाता है, ताकि विद्यार्थी का भी उस बोर्ड पर पढ़े और अपने ज्ञान में वृद्धि करें, साथ में अपनी तरफ से भी उसमें कुछ चिपकाना चाहते हैं, उनके पास कोई नई जानकारी है तो उस बुलेटिन बोर्ड में वो चिपका सकते हैं। ज्ञान में वृद्धि निरंतरता, जब बालक इन सभी घटनाओं के बारे में जैसे कुछ समाचार पत्र में कुछ हेडलाइन दी हुई है उसको वो अपने चस्पा कर दिया, लेकिन वहाँ बालक उस बोर्ड को जब भी समय मिलेगा उस बोर्ड को जैसे पढ़ेगा, आपने देखा बोर्ड जो होता है ब्लडिंग बोर्ड बड़ा व्यवस्थित होता है, दिखने में बड़ा सुंदर सा होता है, उसको क्या करेगा, बालकों को मन को आकर्षित करेगा, तो बालक बार बार आके वहाँ पर देखेगा और अपने ज्ञान में वृद्धि करेगा और उस चीज़ को घर पर पढ़ने में रुचि लेगा। इसलिए बालक की ज्ञान में क्या होती है, निरंतर नई नई वृद्धि होती है। ठीक उसी प्रकार से निश्चित क्रम में विकसित सूचनाएं, अब इसमें क्या होता है कि हमें सभी घटनाओं का जो वर्णन है एक सुव्यवस्थित एवं निश्चित क्रम में उन सूचनाओं को वहां पर क्रम में लगाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि बालक के मन में एक इमेज बनती हुई चले, एक मानस पटल पर एक दृश्य के रूप में उपस्थित रहे, जिससे बालक के वो ज्ञान बालक का स्थायी ज्ञान हो, जो मतलब एक दृश्य सामग्री द्वारा ज्ञान दिया गया है वो एक स्थायी ज्ञान रहेगा। विद्यार्थियों के आकर्षण का ज्ञान, बिल्कुल इस बोर्ड को विद्यार्थियों के या तो असेंबली में या फिर प्राचार्य के थोड़ा सा बाहर या जो जो मतलब ऐसी जगह जहाँ बालक सभी वहाँ से निकलते हो तो उस प्रेयर हॉल में या लगाया जाता है, इससे क्या होता है कि प्रत्येक बालक जब खाली समय में लंच टाइम में या जब भी उसे समय मिलता है अवकाश के बाद, तो उस बोर्ड को बार बार पढ़ते आते जाते पढ़ते हैं, और जिससे बालक को स्वतः ही वो बोर्ड मतलब उनको आकर्षित करता है, और जो बालक पढ़ना नहीं जानता है तो वो भी अपने टूटे फूटे शब्दों के माध्यम से उसे पढ़ने का प्रयास करता है। तो ये डिस्प्ले का एक बहुत अच्छा तरीका है और शिक्षा में नई नई जानकारियाँ बड़ी कक्षाओं के बालकों को देने के लिए इस बोर्ड का उपयोग किया जाता था और आज भी सभी विद्यालय में ग्रेडिंग बोर्ड का उपयोग किया जा रहा है। अब हमारे सामने आता है फ्लेनल बोर्ड। फ्लेनल बोर्ड साथियों ये भी ग्रेडिंग बोर्ड जैसा ही होता है और ये भी लगभग मेहमान के जन्म की कुछ उच्च कक्षाओं में या फिर जो निजी विद्यालय है लगभग वहाँ पर भी और अभी मान्य सरकारी विद्यालयों में भी इसका उपयोग हो रहा है। वो इसलिए होता है कि विद्यालयों में अपने जो पूरे सत्र पर्यंत जो गतिविधियाँ होती हैं उन गतिविधियों को दिखाने के लिए कि हमारे विद्यालयों में इस सत्र में ये गतिविधियाँ होती हैं, ताकि बाहर से आने वाले कोई आगंतुक हैं या बालकों के जो अभिभावक गार्जियन हैं वो भी उन बोर्ड के माध्यम से विद्यालय में हो रही गतिविधियों को
देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेनल बोर्ड जो साथ होता है उसकी जो नॉर्मल जो एक जो उसकी संरचना है उसका आकार प्रकार है वो ये है, 36 इंच × 45 इंच, 36 बाई 45 इंच का होता है। और ये एक जो खुरदरी लकड़ी होती है चीड़ की या इस टाइप की लकड़ी होती है यह उसको बनाया जाता है, उसकी पट्टियाँ भी चलाई जाती हैं। तो उसके लिए एक प्लाई बोर्ड, ये बोर्ड प्लाई बोर्ड अथवा आई बोर्ड, आई बोर्ड का जो एक सीट होती है प्लाई बोर्ड या हाई बोर्ड की जो सीट होती है उसके पीछे चिड़ की पट्टियों को जो चिपका कर उस बोर्ड को बनाया जाता है। और इस बोर्ड को बनाने की पट्टियाँ जो चिपकाने के बाद हाई बोर्ड हो चाहे ब्लाइंड बोर्ड हो उसके ऊपर खादी का मोटा कपड़ा गहरे रंग का होता है उसको ऊपर कस दिया जाता है और उसके ऊपर चिड़ की पट्टियों द्वारा या वर्तमान में सिल्वर की पट्टियाँ भी उसकी लगाई जाती हैं तो उसको जितना सुंदर बनाया जा सकता है बनाया जाता है। तो उस पट्टियों के माध्यम से क्या होता है बनाने के बाद में उसको पीछे जो होता है कॉर्क की लकड़ी होती है मुझे कॉर्क की, और उस बोर्ड को जब पिन के द्वारा मतलब या किसी की मतलब सहायता से उसको चिपकाया जाता है जिससे क्या होता है कि सूचनाएं एक क्रम में चिपकती रहती हैं उस पर, और उसको समय मिलने के उसको मतलब वहाँ पर चेंज भी किया जाता है। तो इस संलग्न बोर्ड के माध्यम से क्या होता है कि वर्तमान में आपने देखा होगा कि विद्यालयों में जैसे कि गतिविधियाँ जैसे चित्रकला प्रतियोगिता को आयोजन किया गया है उसमें सर्वश्रेष्ठ जो चित्र हैं बालकों के द्वारा बनाए गए उस चित्रों को वहाँ पर चिपकाया जाता है। इस फ्लेनल बोर्ड है उसको बहुत ही सुंदर व्यवस्थित उस पर फूल पत्तियाँ डिजाइन या बालकों द्वारा जो मतलब एक क्राफ्ट के जो आइटम होते हैं जो बालकों द्वारा स्वयं निर्मित हैं कागज के द्वारा या पेपर मेसी के द्वारा जो आइटम बनाए गए हैं कागज के उन बालकों के द्वारा बनाए गए आइटम को वहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है और वो बस ही हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो बालकों को तो करता ही है और उससे बालक अपनी सूचनाएं प्राप्त करते हैं और उनकी मन में जिज्ञासा होती है कि हम भी इस तरह की किसी कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते हैं। तो और उस पर मतलब सुंदर से चित्र हैं कोई संदेश हैं किसी महापुरुष का कोई संदेश दिया हुआ है तो उसको वहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है या फिर कोई ऐसा डिस्प्ले जो दीवार पर डिस्प्ले कर दिया जाने वाला कोई मॉडल है जो मतलब 3D के रूप में बनाया हुआ है तो वहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो वो बड़ा सारा बोर्ड होता है काफ़ी बड़ा उसमें मतलब पूरे जो पूरे मंथ में जो जितनी भी गतिविधियाँ या एक्टिविटीज हुई है उसको वहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है। तो वो विद्यालय स्तर जो डिस्प्ले की हुई गतिविधियाँ हैं विद्यालय स्तर पर केवल तो वो फ्लेनल बोर्ड पर किया जाता है। तो साथियों हमने दो बोर्ड के बारे में पढ़ा फ्लेनल बोर्ड और ब्रेडल बोर्ड के बारे में और दोनों ही शिक्षा में एक दृश्य सामग्री के रूप में काम में लिए जाते हैं और जो बालकों को अपनी ओर निश्चित ही आकर्षित करते हैं और हमको भी करते हैं बालकों को तो अवश्य ही करेंगे। तो साथियों मैं सोचता हूँ कि आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे नए व्याख्यान में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।